नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। इस वक्त हम राजधानी रांची के रिंकड़ी निवासी निजाम नगर के पास पहुंचे। आपको बता दें कि कुवैत के भीषण अग्निकांड में रिंकड़ी के रहने वाले अली हसन की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अली हसन कुछ दिन पहले ही कुवैत पैसा कमाने के लिए अपने परिवार को सपनों को पूरा करने के लिए गए थे, जहाँ पर उनकी भीषण अग्निकांड में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि यहाँ से 24 मई से रांची से टाटा मुंबई होते हुए वे कुवैत 27 मई को पहुँचे थे। उसके बाद वो बतौर सेल्समैन का काम करने स्टार्ट किए और प्रत्येक वो काम खत्म करने के बाद करीब 1:30 से 2 बजे रात को अपने परिवार और परिजनों से बात करते थे। लेकिन बुधवार को उनके परिजनों जब इनसे बात करने की कोशिश किए, संपर्क करने की कोशिश किए, व्हाट्सएप भी कॉलिंग किए, तब उनसे अली हसन से बात नहीं हो सकी। तब परिजनों ने काफ़ी फ़ोन करने लगे। आपको बता दें कि अली हसन के भाई एक सऊदी अरब में रहता है, वो भी काफ़ी संपर्क करने की कोशिश किए। तब पता चला कि अली हसन की मौत भीषण अग्निकांड में हो गई। उसके बाद उनके जो अली हसन के पेरेंट्स रांची हिंदपुड़ी में रहते थे, उनके परिवार को बताया गया कि अली हसन की मौत हो गई। हालांकि उनके जो मम्मी और बहन को अभी तक नहीं बताया गया था, लेकिन आज अली हसन का शव कुवैत से यहां पे लाया गया हिंदपुड़ी में, जिसमें घर के पूरे परिवार इस वक्त मातम में तब्दील है। हर लोग रिलेटिव अली हसन को शव को देख रहे हैं और पूरा घर इस वक्त मातम में तब्दील है। हम कुछ लोगों से, सर किससे क्या हुआ, आप लोगों को सूचना कब प्राप्त हुई? जी, सूचना तो हम लोग आज से 3 दिन पहले मालूम हो चुका था। बड़ा दुखद घटना है ये, तमाम लोगों की शौक की न्यूज़ है। आज एक बच्चा भारत छोड़ के बाहर जा कमाने गया और इस हाल में लौटा, ये तो उनके परिवार के लिए तमाम लोगों की दुख की बात है। हम उनके परिवार के साथ भी हैं और आने वाले भगवान से प्रार्थना करते, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं उसको जन्नत नसीब करे, और सरकार से भी अपील करते हैं कि लोग बच्चों को नौकरी आप यहाँ दीजिए, ताकि लोगों को बाहर जाना, बच्चों को जाना पड़े और इस तरह के माँ बाप को दुख झेलना ना पड़े। अच्छा, कब सर आगे का कार्यक्रम? अभी जैसे ना अभी उसका आ गया है तो उसका गुसल हो रहा है, उसके बाद यहाँ से जोहर बाद बात हुई थी कि नमाज के बाद ही उसका मिट्टी होगा डोंडा कब्रस्तान में। अब तो बाकी सुनने में जैसे अभी हम लोग को न्यूज़ मिला कि 12 बजे हो जाएगा, वैसे हम लोग भी कंफर्म नहीं है, जैसे उनके परिवार वाले बोलेंगे उसी तरह से हम लोग करेंगे। जितने भी पेरेंट्स सब आ चुके हैं? जी सभी आ चुके हैं, क्योंकि 4 दिन है। सऊदी अरब में भी मिली जानकारी वो आ चुकी है, उसको हमको नॉलेज नहीं आया है कि नहीं, लेकिन अभी हम लोग तो पूरा नॉलेज नहीं लिए, हम लोग भी देख के खाली आ गए। सीपी सिंह आ रहे हैं, एक बार उनसे मिल लेते हैं। तो देखिए, आप पूरा घर इस वक्त मातम में तब्दील है। अली हसन के जितने भी परिवार हैं, लोग हैं, सब घर पहुंच गए हैं। इस वक्त पूरा परिवार इसमें मातम में तब्दील हैं। आपको बता दें कि अली हसन कुछ दिन पहले ही कुवैत पैसा कमाने गए थे और यहाँ के जो भी लोग हैं सब निकल रहते हैं। यहाँ पे भाजपा के जो स्थानीय विधायक है सीपी सिंह यहाँ पहुँच चुके हैं और जो परिवारों से मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, और सब लोग जो अली हसन के पिता हैं, भाई हैं, सबको सांत्वना दे रहे हैं। नौकरी की खोज में दूसरा देश जाता है और ऐसा दुर्घटना जिसमें सब सोए हुए लोग मर जाते हैं, जल के आग लग जाती है, इससे बड़ी दुखद घटना और क्या हो सकती है। लेकिन शुक्र है कि सबको, क्योंकि पूरे 44-45 लोगों की, जैसा हम लोगों ने न्यूज में देखा था, बोकारो का भी कोई है, देश के और भी कोने कोने के लोग गए होंगे। अधिकतर फ्लाइट से हम लोग आते या जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सा एयरपोर्ट पर या फ्लाइट के अंदर मिलते हैं, जो बाहर के देश में 2 पैसा रोजी रोटी के लिए जाते हैं। क्योंकि देखिए, मेरा भी चचेरा भतीजा बहुत दिनों तक ओमान में रहा, अभी भी एक बाहर में है, तो बहुत से लोग जाते आते हैं, लेकिन कब कहाँ किसके साथ कौन घटना, तो ये ईश्वर की लीला है। सबका सांस तय है कि कौन कितना सांस लेगा। कल ही हम लोगों ने सरकार से भी बात किया कि भाई, जब आ रहा गरीब आदमी है, क्योंकि मेहनत मजदूरी करके पिताजी घर चलाते थे, तो कुछ न कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए, तो सरकार ने भी 5 लाख रुपए की राशि दिया है। मैं ये कहूँगा, दुखद घटना है, कोई भी परिवार पर पहाड़ टूट पड़ने जैसा है। मैं इनके आत्मा की शांति के लिए
ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर इन्हें श्री चरणों में अपना स्थान दे। देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, भीड़ जुटे हुए हैं और हर लोग जो है सो अली हसन की पिता और उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। आप लोगों को कब प्राप्त हुई और कितना दुख हो रहा? दुख तो बहुत हुआ है और सूचना मिला तो हम लोग 9 बजे सुबह 9 बजे। भाई बहन में कितना स्थान था उनका? उसका 2 भाई है, 1 बहन है। घर का कैसा आर्थिक स्थिति? घर का मीडियम है, मीडियम क्लास का। कोई यहाँ रोजगार रहता तो थोड़ी जाता बाहर, यहाँ रोजगार नहीं इसीलिए आदमी निकल रहा है कमाने खाने के लिए। बहुत ही नेक दिल लड़का था, हंसमुख लड़का था, बहुत ही हंसी मजाक वाला लड़का था, पढ़ाई में भी फर्स्ट बहुत तेज था, बहुत अच्छा लड़का था। उसके बारे में कितना भी तारीफ करे कम है। तो सर कहाँ से उसकी पढ़ाई हुई थी, कौन कौन से स्कूल से? वो सेंट जॉन से प्लस टू किया था, पैरामाउंट स्कूल से वो मैट्रिक का एग्ज़ाम लिखा, प्लस टू सेंट जॉन। अकेले भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, नहीं जाने बोल रहा था मगर अपना जीत में दिया। कहा बोले माए बाप के कुढ़न हो गया, माए के तो बोली नहीं फूट रहा है बाबू, पानी नहीं पिया है 4 दिन से। उनकी मम्मी या बहन को सूचना कब प्राप्त? एक बहन है और 2 भाई था। अब एक भाई बचा? हाँ, तो अब एक भाई तो खत्म हो गया, एक भाई बचा, एक बहन बचा। बड़ा भाई उसका कहाँ रहता? हाँ, बड़ा भाई हुए सऊदीया में था, तू आ गया? आ गया, आ गया है। सुने नहीं आया सुने कि आ गया रे? उसका बाप बोले ना, और उसका बाबा भी बोला आ जाएगा अब कल पता चलेगा। कितना आप लोग को दुख हो रहा? बहुत 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 दुख हो रहा। कैसे दुख? आप लोग कैसा रहता था? कैसा? बहुत अच्छा रहता था। कैसे? बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा रहता था। बच्चा है, औलाद सब के लिए बराबर एक सम्मान होता है माँ के लिए। बहुत अच्छा रहता था, तो हम लोग का भी अफसोस हो रहा है, हम लोग का भी अफसोस हो रहा है। ये हम लोगों को सूचना कल सुबह में प्राप्त हुई है कि कुवैत में आकस्मिक निधन हो गया है, यहाँ के का जो बच्चा है उसका। तो हम लोग आए, पहले तो मैं बता दूं सर्वधर्म सद्भावना समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है हमारी। ये एक बहुत ही दुखद घटना है और उसका जनाजा आज लाया गया 9:30 बजे एयरपोर्ट में, और जो तत्काल प्रभाव से जो सरकारी स्तर पर जो राशि होता है 5 लाख का मुआवजा, DC साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने 5 लाख का चेक भी मुआवजा राशि के रूप में दे दिया है, जो सराहनीय कदम है। दूसरी बात यह है कि अभी गुसल हो रहा है यहाँ पर, और 12 बजे जैसा कि उनके परिवारजन बोले हैं कि 12 बजे इसको डोरंडा कब्रस्तान में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस दुखद घटना का के लिए तो पहले सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि कुल्लो नफसिन जायकतुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, और जो आया है उसको जाना है। लेकिन 20-22 साल का लड़का यानी बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा, ये एक बहुत दुखद घटना है। मैं ऊपर वाले भगवान से, अल्लाह ताला से, तबरक अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनके परिवारजनों को सबर और तहम्मुल अता फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए।